फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। तो पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। पहले हिंदी नहीं जानेंगे तो उसका मतलब ही समझ नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वेग विद्युत। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका आवेश। स्टैटिक्स मतलब स्थिर, माने स्थिर आवेश का जो अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रो स्थिर वैद्युतिक के बारे में जानेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम जानेंगे, तो छोटी सी बात में दो लाइन में समझिए कि विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच, मतलब कि वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिक कहलाती है, चाहे उसे वैद्युतिक कहते हैं उसी का इंग्लिश में सेम टू सेम डेफिनेशन दे सकते हैं दो लाइन में। इट इज द ब्रांच द फिजिकल द फिजिक्स Which deals with the study of charge, माने किसके चार्ज मतलब वितरित बल आवेश है, माने कि चार्ज का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। एट स्टैटिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, माने कि उसे स्थिर विद्युत का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिक कहलाता है। अब आगे की पॉइंट हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट एक है जिसके बारे में पढ़ना है हमको, चार्ज मतलब होता है आवेश। इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं इसके बारे में। इट इज समथिंग पासेस बाय ऑब्जेक्ट बाय विच दैट ऑब्जेक्ट हैज गॉटन टेंडेंसी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब इसका हिंदी में भी लिख दिए हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख रहे हैं, जो आप लोगों को जैसे सुविधा हो अच्छा से समझने में भी। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ उसकी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता हो, बल का अनुभव कराता हो। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, इसको समझिएगा। बल का अनुभव कराता है कैसे, जैसे कि कोई मान लीजिए पंखा है, पंखा में लगा हुआ है, पंखा चार्ज है, उसमें जब तक बिजली का हम स्विच टिपते तो चार्ज हुआ, उसमें क्या प्रभावित करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रभावित करती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें आती है, मतलब आवेश आती है, तो उसको क्या करंट प्रभावित किया, प्रभावित करने के बाद क्या करता है वो घूमने लगती है और हमें पता चल जाता है कि अनुभव चल जाता है कि करेंट आ गया, मतलब आवेश चार्ज उसमें चार्ज आ गई है। चाहे आप देखिएगा कि कोई घर्षण रबिंग, जैसे कि हम लोग कोई वस्तु ले लेते हैं और उसको रबिंग करते हैं, रबिंग करने के बाद वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद एक टुकड़ा ले करके कोई चीज़ का इसमें चार्ज आने के बाद ये गर्म हो जाता है, मतलब आवेश आ जाता है। तो उसी तरह का आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, जिसको डिनोट प्लस वीई से भी प्लस शॉर्ट डिनोट करते हैं और नेगेटिव को माइनस वीई से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी होता है धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। अगला आगे जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, माने कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको सी से संकेत करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब यह एक अदिश राशि होती है, उसको क्यू से, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं छोटा क्यू। चार्ज बराबर एक फॉर्मूला होता है, चार्ज बराबर आई गुने टी, मतलब चार्ज मतलब आवेश, आई मतलब धारा और टी मतलब समय। इसका आई को करंट से डिनोट करते हैं और टी से टाइम से। क्यू बराबर फॉर्मूला बन गया आई टी, मतलब आवेश का फॉर्मूला हो गया समय धारा गुने समय, माने करंट गुने टाइम एंड चार्ज। उसके बाद हम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में ये रहती है फॉर्मूला, जो आवेश मतलब चार्ज का फॉर्मूला दिया रहता है और उसमें खोजना पड़ता है, जैसे आई गुने टी करके दे देगा, कभी दे देगा आई प्लस टी, उसी प्रकार अपना दे देता है, कभी कभी क्यू बराबर दे देगा ऑब्जेक्टिव में आई प्लस टी, क्यू बराबर दे देगा आई माइनस टी, कभी कभी दे देगा आई क्यू बराबर आई
इंटू टी, और चौथा ऑप्शन में अपना रहेगा क्यू प्लस टी इंटू आई, इस तरह से दे दिया रहता है। तो इसमें हम लोग क्यू का फॉर्मूला बनता है आई इंटू टी, तो मतलब ये वाला सही ऑप्शन होगा चार्ज का। तो इसी प्रकार आपको आगे ऑब्जेक्टिव का भी क्लियर होते जा रहा है, और चैप्टर का भी आगे न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इस पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो आगे समय बर्बाद ना करते हैं आगे। तो आई मतलब वन कूलम्ब, सी से किसको डिनोट करते हैं कूलम्ब को, तो वन कूलम्ब बराबर होता है 3×10⁻¹ ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, माने इंटू मतलब वन कूलम्ब बराबर होता है 3×10⁻¹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और 3×10⁻¹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बराबर होता है, इसको सेम टू सेम बोलते हैं, इसका एक और नाम से जाना जाता है जैसे 3×10⁻¹ स्टेकुलम्ब है, 1 कूलम्ब बराबर यह भी बोल सकते हैं हम लोग 3×10⁻¹ स्टेकुलम्ब, यह भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपको, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो कन्फ्यूजन ना करें, दोनों का मतलब एक ही होता है हैं। और इसमें हम शॉर्ट फॉर्म का भी फुल फॉर्म लिख दिए हैं, ई का मतलब और एस का मतलब और यू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलम्ब। 1 कूलम्ब बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर, इसको भी आप भी बोल सकते हैं हम लोग 1/10 अब कूलम्ब भी बोला जा सकता है। यहाँ तक ला हो गया, आगे हम इसके और भी फॉर्मूले हैं और भी बातें हैं इसमें, वरना जो अगला पार्ट में हम आगे पॉइंट्स बताएंगे।